भारत की जीडीपी को लेकर आईएमएफ का अनुमान, इस साल रहेगी 6.1% इकोनॉमिक ग्रोथ। तेजी से वृद्धि करने वाली है भारत की अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को विश्व की अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी और भारतीय इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी को लेकर बहुत अहम बयान दिया है। विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ ने बताया कि ग्लोबल ग्रोथ साल 2023 में पहले की अपेक्षा में कम रहने की संभावना है। वहीं आईएमएफ के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमी साल 2023 में 2.9% की दर से बढ़ी। वहीं साल 2022 में इसका अनुमान 3.4% था। वहीं साल 2024 की बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था में फिर एक बार तेजी देखी जा सकती है और यह 3.1% की दर से बढ़ सकती है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस तिमाही में भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा तिमाही में 6.8% की दर से बढ़ रही है, जो अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6.1% रहने की संभावना है। आपको बता दें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री प्रायर ऑलिवर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अहम बयान देते हुए कहा कि अक्टूबर दिसंबर की बीती तिमाही और जनवरी मार्च की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ेगी। इसके बाद अगले वित्त वर्ष 2023 से 24 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में गिरावट दर्ज की जाएगी और यह 6.1% की दर से बढ़ेगा। इस गिरावट के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक ब्राइट स्पॉट का काम करेगी। इसके साथ आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से 6.8% की दर से बढ़ेगी। ऐसे में इसमें कई बाहरी फैक्ट भी शामिल होंगे। वहीं आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में साल 2023 और 24 में 5.3% और 5.4% की ग्रोथ दर्ज की जा सकती है। एशिया में ग्रोथ चीन की ग्रोथ पर निर्भर करेगी। साल 2022 में चीन में जीरो कोविड नीति के कारण जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और यह 4.3% तक पहुंच गई थी। चीन में जनवरी मार्च के बीच 0.2% की जीडीपी में गिरावट दर्ज की जा सकती है और यह 3.0% तक पहुंच सकती है। ऐसे में पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब विश्व अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से कम चीन की जीडीपी दर्ज की गई। वहीं साल 2023 में चीन की अर्थव्यवस्था 5.2% की दर से बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूवी इंडिया न्यूज़।